हेलो फैमिली, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज, आज संडे, आज अपन लोग संत बाबा के पास सुबह सुबह गए थे, फिर अपन लोग घर आए और फिर आज विश्वकर्मा पूजा भी है गाइज। तो घर आने के बाद मेरे को थोड़ी सी आंख लग गई गाइज, नींद आ गई, क्योंकि यार थोड़ा थके हुए थे तो सो गए, 1 घंटे सो गए। फिर अभी उठे, फिर अभी अपन लोग सोचे यार आज विश्वकर्मा पूजा है तो आज अपन लोग दोनों बाइक प्लस एक साइकिल को धोए जल्दी से और फिर पूजा करें और फिर आप लोगों को दिखाए। सो गाइज, मैं सोच रहा हूँ अभी अपना दोनों बाइक धोऊँ, वो भी आप लोग को दिखा के दूँ कि अपन लोग घर में ही कैसे धोते। पैसे बचाने भाई, 60 रुपये अब तो लगते हैं वॉशिंग का, 60-70 रुपये, तो 60 दूना 120 और साइकिल का 20 या 30 लगता है, तो मतलब समझ लो 150 रुपये अपन लोग बचाने वाले। तो घर में अपन लोग वॉशिंग करने वाले बाइक और साइकिल को, तो चलो अभी अपन लोग जल्दी से वॉशिंग करते हैं, फिर पूजा करके दिखाते, फिर मिलते हैं लास्ट में गाइस। तो वीडियो को एंड तक देखना गाइस, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना क्योंकि वीडियो काफ़ी एकदम मस्त होने वाला, विश्वकर्मा पूजा है तो समझ सकते हो। सो चलो जल्दी से बाइक धोते हैं अभी। तो भाई ये देखो, अभी R15 लगा हुआ है धुलने के लिए। पहले अपन लोग सबसे पहले इसको धो के रखें गाइस, साइकिल को इसको धो दिए, फिर ये अपना मस्त वाला बाइक धुल रहा है R15, और उसके बाद ये धुलाएगा सबसे लास्ट में ये, और उसके बाद अपन लोग पूजा करेंगे। तो अभी पहले धोते मज़े से, पानी वानी डाल दिए, बस थोड़ा सा अच्छे से धोना है इसको। बस देख रहे हो कितना डस्ट यहाँ पे निकला है, बहुत सारा बालू निकला साइकिल से, क्योंकि बारिश में चली थी ना, तो इसमें इतना डस्ट था ना पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा बालू था। और अभी इस पर कितना बालू निकलेगा सोच ही नहीं सकते भाई, बहुत ज़्यादा। तो चलो पहले धोते हैं दोनों बाइक, फिर पूजा करते, फिर आपको दिखाते हैं गाइस। तो फाइनली भाई ये बाइक अपना धुल गई, लाइक देखो कितना ही नीट एंड क्लीन से धोए भाई, देखो। सो ये भी धुल गई, काफ़ी इधर डस्ट था, अपन लोग इधर भी धो दिए। तो इसको धुलने के बाद इसका बारी है, तो अब इसको धोएंगे, पहले उसको यहाँ पे लगाएंगे फिर धोएंगे। तो इसको पहले अंदर करते हैं गाइस यहाँ पे, और फिर वो वाली बाइक यहाँ पे लाते हैं अभी। उसको हमने जगह पे डाल दिया, इसको भी ला दिए, अभी इसको धोना है क्योंकि वो देखो वहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो इसको बस जल्दी से धोते क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा ये गंदा बाइक है, तो इसको धोते फिर घर धोते और फिर पूजा करते हैं गाइस। फाइनली भाई ये भी धुल गई, अभी भाई पूरा घर धोना पड़ेगा। ये देखो पूरा गंदा हो चुका है, इसको भी साइड करते हैं। ये धुल गई, ये बाइक धुल गई और ये साइकिल भी धुल गई। बाइक और साइकिल तो साइड में है, अब इसको भी साइड करना पड़ेगा, फिर अपने को घर धोना पड़ेगा और फिर नहा धो के मम्मी पूजा करेगी। तो पूजा करने के बाद आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे, लाइक पूजा होगा उस टाइम भी बनाएंगे और फिर लास्ट टाइम भी आप लोगों को प्रसाद खिलाएंगे ऑनलाइन। अभी चलो इसको गाड़ी को साइड करते हैं और फिर धोते पहले घर। फाइनली सारा कुछ हो गया, बाइक धुल गया, वो भी बाइक धुल गया, घर भी धुल गया, लाइक देख सकते हो गाइस पूरा धो दिए अपन लोग। अब यहाँ पे बाइक लगाएंगे और फिर देखो मम्मी भी नहा ली होगी शायद, तो पूजा होगा उसके बाद बाइक का, उसके बाद प्रसाद खाएंगे अपन लोग और फिर पूजा देखेंगे गाइस। तो अभी इसको पहले अपने को शिफ्ट करना पड़ेगा इस साइड, तो चलो पहले शिफ्ट कर देते हैं। अभी पूजा के लिए निकल चुका ये बाइक और फिर ये बाइक और फिर ये साइकिल, तो अभी पूजा होगा। नीचे अपन लोग दिए थे, फिर से गंदा हो गया यहाँ पे यार, ये देखो मिट्टी गिरा गाड़ी से, तो अभी पूजा होगा, फिर मम्मी पूजा करेगी। पहले गंगा जल ही छिटा रहा है क्योंकि पूजा करने से पहले गंगा जल ही छिटाता है, और फिर वो वाला बाइक पे फिर छिटाएगा और साइकिल पे फिर पूजा होगा। मतलब हम लोग का यार पहले गंगा जल ही छिटना सही होता है, शुभ माना जाता है। और अब देखो बाइक में टीका लग रहा है, ये टीका लगेगा, फिर शायद अगरबत्ती, फिर प्रसाद चढ़ाएंगे और फिर पूजा हो जाएगा कंप्लीट। 5 टीका, एक बाइक हो गया, माला 2 माला सिर्फ दोनों बाइक के लिए, ये छत गया और अब साइकिल बचा, फिर इधर एक बाइक और, ये अब माला जा रहा है नंबर प्लेट वाला में, हाँ उसी में दोनों नीचे। तो ये देखो ये माला लटक गया, अब प्रसाद जाएगा ऊपर से। ये अपना लड्डू वहीं पे रख दिया ना, नहीं तो मिरर के पास ही यहीं पे बट जाएगा, हाँ वैसे ही अट जाएगा, हो जाएगा। ये अपना लड्डू चला गया इस पर, 2 लड्डू और अभी साइकिल, और अभी साइकिल पे टीका लग रहा है। ये कपड़ा भाई इसी से धोए थे अपन लोग बाइक, और ये अपना देखो जब जिस टाइम लिए थे ना उसका अभी तक टीका बचा हुआ है, तो उसी पे एक और टीका चला गया फिर से, ये छत और फिर यहाँ भी लड्डू।
लास्ट में अगरबत्ती से दिखाया जाएगा वो। और अब लास्ट बाइक ये अपना स्प्लेंडर। सो इसमें भी वैसे ही टीका, पांच टीका, फिर अक्षत, फिर लड्डू और फिर लास्ट में सारे को अगरबत्ती से दिखाया जाएगा, फिर पूजा कंप्लीट हो जाएगी। इसमें भी माला चला गया और अभी इसका भी लड्डू, और फिर लास्ट फाइनल में भाई कपूर का वो जलेगा। चलो ये भी लड्डू हो गया। यहाँ भी ये बाइक का भी हो गया। अब लास्ट में जो आरती होती ना, वही आरती होगी अब। अब आरती हो रही है भाई, ये अपना बाइक का आरती, और फिर ये R15 का भी दिखाया जाएगा। ये लो भाई, ये देखो इधर मस्त वाला मम्मी आरती दिखा रही है। यहाँ भी आरती हो रहा है, ये देखो। सो गाइस देख लिए यार, अपन लोग बाइक धो दिए, पूजा हो गया, लास्ट एकदम मस्त वाला हुआ यार। गाड़ी भी कैसा धुलाया ये आप लोग कमेंट करके बताना गाइस, गाड़ी कैसा आप लोग को लग रहा था, मैं कैसा धोया हूँ, कितना साफ मेरे से हुआ है फिर नहीं हुआ, ये आप लोग कमेंट करके बताना। और आप लोग ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग पूजा सही से किए या फिर नहीं किए ये भी बताना गाइस, और आप लोग को हमारी दोनों गाड़ियाँ कैसी लगी और फिर हमारा साइकिल कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। सोच रहे गाइस कि अभी अपन लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करें, क्योंकि अपने को इवनिंग में थोड़ा सा मतलब 4-5 घंटे बाद, 3-4 घंटे बाद ना अपने को निकलनी है फिर लॉन्ग राइड पे। तो सोच रहे आज वीडियो को यहाँ पे एंड करें गाइज। आप लोग बताना गाइज कैसा लगा ये वीडियो। मैं सोच रहा हूँ एंड करो यार। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। बाय बाय गाइज।